15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ और देश का दिल मध्य प्रदेश की धड़कन यानी भोपाल कब आज़ाद हुआ, आज भी ये प्रश्न चर्चा का विषय बना रहता है। और 15 अगस्त पर आज हम फिर आज़ादी के तराने गा रहे हैं, लेकिन भोपाल को आज़ादी कब मिली, क्यों भोपाल 22 महीने तक यहाँ पर तिरंगा झंडा फहराने पर पाबंदी थी और क्यों झंडा फहराने वालों को गोली मार दी जाती थी, ये तमाम विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। और आज़ादी स्पेशल में हम युवाओं को ये भी बताएंगे कि वो कौन कौन से शहीद थे जिन्होंने गोली खाई और भारत को आज़ादी दिलाई। इस पर हम आज़ादी के तराने भी गाएंगे, उन लोगों के बीच ही पहुँचेंगे जिन्होंने इस कहानी को पढ़ा है, जिन्होंने सुना है, और उस जगह भी पहुँचेंगे जहाँ पर भोपाल में पहली बार तिरंगा फहराया गया था 1 जून 1949 को। इससे पहले हम युवाओं के बीच पहुँचते हैं और उनसे समझने का प्रयास करेंगे कि भोपाल की आज़ादी को वो कितना समझते हैं। चलिए सीधे युवाओं के बीच चलते हैं, क्योंकि आज़ादी के जो तराने हैं उसकी तैयारी शुरू कर दी है, जो घर घर तिरंगा फहराने की तैयारी भी बड़े जोरों से जारी है समूचे मध्य प्रदेश में। और आप इस समय देखें कि आज सावन का तीसरा सोमवार है, समूचा जो मध्य प्रदेश है भोले की भक्ति में लीन है और भोले की भक्ति के साथ ही अब आज़ादी का जश्न मनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। आपका क्या हाल है, कहाँ से हैं आप लोग? भोपाल। भोपाल से हैं, क्या हाल है आपका? ठीक ठीक है। अब तो 15 अगस्त आ रहा है। हाँ। देश आज़ाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947। और भोपाल आज़ाद कब हुआ था? 19 जून शायद, पता नहीं। क्या भोपाल आज़ाद हो गया था आज़ादी के साथ? नहीं नहीं हुआ था। नहीं। क्यों नहीं हुआ था? कुछ कि वो रहता ना नवाबों का टाइप का था, इसलिए नहीं था। भोपाल नहीं हुआ था, 49 को हुआ था, वो 2 साल बाद हुआ था। देखिए हमारे जो युवा पीढ़ी, आप देख पा रहे हैं कि बड़ी जागरूक है और इस युवा पीढ़ी को भी पता है कि भोपाल को आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली थी, तुरंत नहीं मिली थी। आपका क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। कहाँ से हैं आप? सरधर्म से। अच्छा, भोपाल से ही हैं जी? भोपाल में ही जन्म लिया आपने, 15 अगस्त 1947। और भी क्वेश्चन है क्या जी? अच्छा जी, बताइए। भारत आज़ाद हुआ था 1947। हाँ। और भोपाल को आज़ादी कब मिली? मुझे क्या पता? नहीं पता आपको? जी नहीं। क्या भोपाल आज़ाद हो गया था भारत की आज़ादी के साथ? मेरे को इतना याद है कि सबसे लास्ट में गोवा आज़ाद हुआ था अपना, वो कुछ 1956 करीब में आज़ाद हुआ था बस। भोपाल के बारे में आपने कुछ पढ़ा है कि बस सिटी ऑफ लेक्स है भोपाल में, इंडिया की लार्जेस्ट मैन मेड लेक है ये, जिसमें बैठे हैं अभी, जिसके दर्शन करा दीजिए। बिल्कुल, इसके दर्शन करा देते हैं। और इसी जो सिटी के आसपास एक जून को एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, विलीनीकरण दिवस जैसे बोलते हैं, कई सालों से होता आ रहा है, भोपाल का बर्थडे भी उसे कहा जाता है। अच्छा। तो उसके बारे में कोई जानकारी है आपको? नहीं, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं अपने को। नहीं है? नहीं। 1 जून 1949 जिस दिन भोपाल आज़ाद हुआ था। ओके, चलिए। और आप विलीनीकरण दिवस के बारे में भी पढ़ें? जरूर पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम युवाओं के बीच पहुँच रहे हैं और आज़ादी के जश्न के बीच है। देखिए इस समय आप जिस जगह आप देख रहे हैं, ये वो स्थान है जैसे शीतलदास की बगिया कहा जाता है, और यहाँ पर युवाओं के साथ और भी भोपाली मौजूद हैं, उनके बीच पहुँचते हैं। क्या हाल है आपका? बढ़िया भाई साहब। बढ़िया है, आपका क्या हाल है? सब बढ़िया था। तो आज़ादी की क्या तैयारी आपकी साहब? देखते हैं अपन इसमें थोड़ा सा, ये अपना यहाँ आज़ादी की क्या तैयारी साहब आपकी? ये भाई बोलना चाह रहे हैं, थोड़ा इनको बोलने दें। अपन आज़ादी की फुल तैयारी, हमारी 14 तारीख को रैली है हमारी। अच्छा, 14 तारीख को किस तरह की रैली निकालेंगे? अपनी जी 15 अगस्त की रैली जो है, हम 14 को निकालना है। क्या था 15 अगस्त को, क्या हुआ था 15 अगस्त को? जो अपना शांत हुए थे, आज़ाद हुए थे, उनकी तरफ से अपन निकालना है। भोपाल कब आज़ाद हुआ था? हाँ, भोपाल अपना 90 कुछ में हुआ था सर, इतना नॉलेज नहीं है। फिर भी कब हुआ था लगभग? अपन ये कह रहे हैं इस चीज़ में थोड़ा जी, चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। चलिए और भी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, और देखिए लोग बड़े सेफ्टी के साथ अभी आ रहे हैं, और वायरस तो सब चलता ही रहता है, सेफ्टी ज़रूरी है। आपका क्या हाल है? सब बढ़िया है सर, हम तो बढ़िया हैं जी। आपका हाल क्या है? हाल भी अच्छे हैं हमारे तो। आज़ादी की क्या तैयारी है? आज़ादी तो पूरी है सर, जश्न मनाने की जी। क्या करेंगे आप साहब? जश्न मनाएंगे लोगों के साथ मिलकर। कहाँ से हैं आप? शाहजहाँबाद। भोपाल से हैं जी।
भोपाल कब आज़ाद हुआ था? भोपाल अपना आज़ाद 15 अगस्त भोपाल आज़ाद 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ जी। कुछ भोपाल को आज़ादी नहीं मिल पाई थी? अच्छा, इस बारे में जानकारी नहीं, इस बारे में कभी सुना भी नहीं, भोपाल की आज़ादी के बारे में कभी नहीं सुना है जी। आपने सुना है कि भोपाल की आज़ादी को लेकर? नहीं सर, मैंने भी सुना है बट इतना पता नहीं है मुझे, इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी मैं जी। जी हाँ जी। तो कुछ ऐसी जानकारी हो कि भोपाल तुरंत आज़ाद हो गया था, देरी से हो पाया था? सर ये भी नहीं पता, अभी तुरंत आज़ाद हुआ, देर से हुआ, टाइम तो बहुत लगा, गांधी जी ने बहुत वो करे थे संघर्ष, तब जाके ये आज़ाद हुआ था। चलिए, जश्न की क्या तैयारी है आपकी? तैयारी है, बहुत सारी तैयारी। क्या करने वाले हैं? अब वो तो सरप्राइज ही है, बिल्कुल सरप्राइज रहेगा। देखिए, आज़ादी का जश्न सरप्राइज रहेगा, और हम देश के युवाओं की बात करें, भोपाल के युवाओं की बात करें, आज़ादी के जश्न की तैयारियां जोरों से है। और हम जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि भोपाल कब आज़ाद हुआ था, ये प्रश्न आज भी बना हुआ है, और हम तमाम युवाओं से समझने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि कुछ युवा इसको लेकर जागरूक भी हैं, लेकिन भोपाल को आज़ादी कब मिली थी अधिकांश युवा इसका जानकारी नहीं है, सीधे तौर पर आप समझ पा रहे हैं। और शिवालय में तो इस समय युवा भी पहुँच रहे हैं, आपका क्या हाल है? अच्छा है, बढ़िया है। 15 अगस्त की क्या तैयारी है? 15 अगस्त की भी तैयारी है बहुत अच्छी जी। क्या करने वाले हैं आप? हमारे शोरूम पे पूरा सेलिब्रेट होता है, रैली निकलती है जी। हाँ, रैली निकालते हैं आप? हाँ। पूरे स्टाफ के साथ? हाँ। भोपाल के रहने वाले हैं आप जी? भोपाल कब आज़ाद हुआ था? नहीं, आप देखें कि जश्न मनाने की तैयारी युवाओं ने कर रखी है, और हम जो समझने का प्रयास कर रहे हैं कि भोपाल को आज़ादी कब मिली थी, युवा कितने जागरूक हैं। कैसे भैया आप? जय श्री राम। जय श्री राम, क्या हाल है आपका? बढ़िया हूँ। बढ़िया हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? भोपाल। भोपाल में कब से रह रहे थे आप? जन्म से, 2-3 पीढ़ियों से। 3 पीढ़ियों से? हाँ, हमारे आजे साहब यहाँ आए थे, दादाजी के पिताजी, चौथी पीढ़ी है ये। अच्छा जी, हम मंदिर में पुजारी हैं। अच्छा, शीतल दास जी बाबा, उनके शिष्य मोनी बाबा, उनके शिष्य बिहारी बाबा, उसके बाद हमारे आजे दादा। पंडित जी, भोपाल कब आज़ाद हुआ था? भोपाल 1950 में, 3 साल बाद। भोपाल रियासत, जूनागढ़ रियासत गुजरात की, ये और हैदराबाद, ये तीनों 3 साल बाद आज़ाद हुए। 1 जून 1947 को, करीब 22 महीने बाद आज़ादी मिली। हाँ, अच्छा आप जानते हैं ये आज़ादी क्यों नहीं मिल पाई थी, क्या कारण था? हाँ, वो सबको पता है, ये लोग पाकिस्तान में जाना चाहते थे, या जैसे हैदराबाद स्वतंत्र स्टेट बनना चाहता था, और कश्मीर तो आज तक जल रहा है। लेकिन हमारी युवा पीढ़ी से हम बात कर रहे थे जी, कई युवाओं को सटीक जानकारी नहीं है, उनको ये भी नहीं पता कि भोपाल आज़ाद हो पाया था, नहीं हो पाया था, नहीं, तो, नहीं, तो इसके लिए क्या करना चाहिए हमें? देखिए, सबसे पहले तो जो है कि भोपाल की जो जनसंख्या है उसमें से मेरा ऐसा मानना है कि 60% भारी लोग हैं। मीन्स बोले तो हम उनसे बात कर रहे थे, भोपाल के ही लोग हैं वो। हाँ, होंगे तो नहीं है जानकारी तो, लेकिन हमारे यहाँ उसके चिन्ह हैं गुलामी के चिन्ह, हम पता, जैसे आपका आज़ाद मार्केट का वो जुमेराती का डाकघर है, उसमें आज़ादी का पहली बार। हमारा जो उद्देश्य है कार्यक्रम का, वो युवाओं को जागरूक करना है, और ख़ासतौर पर वो युवा जो भोपाल के हैं, भोपाल के बाशिंदे हैं, भोपाल में रह रहे हैं। चलिए और आगे चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, और युवाओं के साथ हम उन लोगों से भी बात कर रहे हैं जो यहाँ के बाशिंदे हैं, जिन्हें भोपाल के लोग, भोपाल की नागरिक होने की बात कही जाती है। आपका क्या नाम है? अभिषेक विश्वकर्मा। अभिषेक जी, भोपाल कब आज़ाद हुआ था? पता नहीं किया। नहीं जानकारी? भोपाल कब आज़ाद हुआ था, ये एक प्रश्न बना हुआ है। भोपाल को आज़ादी 1949 में मिली थी, 1 जून के दिन, जब भोपाल, बाकी देश आज़ाद 1947 में हो चुका था, लेकिन भोपाल की आज़ादी 2 साल बाद हुई थी। क्या नाम है आपका? मेरा शुभ नाम मनीष मालवी सर। देखिए, अब हम युवाओं की बात करने से जानने का प्रयास कर रहे हैं, और जो युवा बता रहे हैं कि अपडेट तो हैं साहब, लेकिन कितने अपडेट हैं और ये अपडेट कैसे होंगे, हम ये भी समझने का प्रयास करेंगे। हम युवाओं से चर्चा कर रहे थे, अब हम वहाँ चलेंगे, उन लोगों से बातचीत करेंगे जिन्होंने इस आंदोलन को करीबी से देखा है। ये आंदोलन यानी विलीनीकरण आंदोलन, भोपाल को आज़ाद कराने का आंदोलन, और उस जगह हम चलेंगे जहां पर भोपाल में 1 जून 1949 को पहली बार तिरंगा फहराया गया था। चलिए आगे चलते हैं, और अब हम पहुंचे हैं भोपाल के उस स्थान पर, उस डाकघर में, जहाँ पर पहली बार भोपाल में तिरंगा झंडा फहराया गया था। और देखें कि यहाँ पर डाकघर अभी भी सुचारू रूप से संचालित है। आप तो यहीं के रहने वाले हैं जी, आज़ादी का जश्न चल रहा है देश भर में जी, तो थोड़ा सा निकले हैं जी भोपाल की आज़ादी को लेकर, अब किस तरह की जानकारी है?
भोपाल की आज़ादी 1950 में हुई थी। 47 के बाद भोपाल आज़ाद नहीं हुआ था, नवाब ने काफ़ी टाइम के बाद उसको आज़ादी का वो दिया गया था। रहा दूसरी बात यह है कि आज़ादी मिली लेकिन आज भी हम गुलाम की स्थिति में हैं। साहब, ये जो डाकघर है जी, ये भोपाल की आज़ादी को किसी प्रतीक के रूप में माना जाता है जी, क्या क्या कहानी है साहब? ये नवाब साहब अंग्रेज़ों के टाइम में बना है ये। मेरे जानकारी में ये है, ये जो बना है यह अंग्रेज़ों के टाइम में बना था। इसको अंग्रेज़ों ने इसको कायम किया था। ये पहले हमारा भोपाल का प्रथम GPO हुआ करता था। भोपाल का जो प्रथम GPO था वही जुमेराती डाकघर था। बाद में इसको डाकघर कर दिया, जुमेराती का GPO जो था अपना। और भी कहानी बड़ी दिलचस्प आज़ादी को लेकर जुड़ी हुई, इससे कोई जानकारी में है आपके? नहीं, मेरे इतनी जानकारी में नहीं। आपकी इससे ज़्यादा जानकारी में नहीं है। चलिए और समझते हैं। आप देखें इस समय तस्वीरों में, और लिखा है जुमेराती उप डाकघर, और भोपाल की आज़ादी के पहले से ये डाकघर संचालित है। और आप देखें कि कुछ यहाँ पर जो आज़ादी का जश्न मनाते रहे हैं उनका जिक्र यहाँ पर नज़र आ रहा है। और यहाँ पर आप देखें कि काफ़ी पुराना पोस्टर रखा हुआ है, 1 जून 1949 भोपाल आज़ादी दिवस, और इसमें वो तमाम चेहरे हैं जिसमें भोपाल की आज़ादी के लिए जिन्होंने संघर्ष किया है, उसमें पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी, उनका फ़ोटो यहाँ पर उस पर लगा हुआ है। बालकृष्ण गुप्ता जी हैं, अक्षय कुमार जैन जी हैं, उद्धव दास मेहता जी, रतन गुप्ता जी, और आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं। पोस्टर काफ़ी दिन पुराना नज़र आ रहा है। कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद हैं। साहब, क्या हाल है आपका? बहुत बढ़िया। बढ़िया है जी, बिल्कुल। ये आपको पोस्टर आपने देखा ये? हाँ, क्या भोपाल की आज़ादी, और ख़ासतौर पर हम जिस डाकघर की बात कर रहे हैं, और अब देखें कि 15 अगस्त को फिर यहाँ पर तिरंगा फहराया जाएगा, क्या कहानी है, आपको जानकारी है क्या? देखिए, हम तो बहुत छोटे होंगे जब, मतलब हमारी तो पैदाइश भी नहीं थी, परंतु हमने सुना बहुत था कि हम लोगों को आज़ादी, जब भोपाल को आज़ादी मिली थी वो कुछ समय बाद मिली थी। हमने पढ़ा भी था, परंतु इतनी दिलचस्पी कभी नहीं रही भोपाल के बाशिंदों को। परंतु हमारे भोपाल के अभी सांसद हैं श्री आलोक शर्मा जी, उन्होंने इसको लेके बहुत जागरूकता फैलाई। आज अगर यंगस्टर को अगर ये पता भी है तो सिर्फ उन्हीं का माध्यम क्या पता है, वही तो हम जानना चाह रहे हैं, क्योंकि हम पूरे भोपाल में घूमते हुए आ रहे हैं साहब, नए भोपाल से लेकर पुराने भोपाल। सबसे पहले हम लोग को ये बताया गया है, उन्हीं के मार्फत से बताया गया था कि 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, और उसके कुछ सालों बाद हमको 1 जून 1949 को हमारा भोपाल को आज़ादी मिली थी। तो ये सब हम लोग को बताया था, और इसमें कौन कौन समर्पित रूप से जिन्होंने अपना बलिदान दिया, अपना समय दिया, इसको इस पूरे नेतृत्व में लड़ाई लड़ी, उन सबके परिवारों से भी आज हम लोग जुड़े हुए। तो ये हम बड़े क्या कहानी है, वो हम कहानी ही जानना चाह रहे हैं। अगर कहानी में तो मैं सर इतना नहीं बता सकता, परंतु फिर भी मैं आपको इतना बताऊँगा कि हम लोगों ने यहाँ के जो शासक थे उन्होंने अपनी आज़ादी को, क्योंकि क्या है, गवर्नमेंट ने ये कहा था कि जब भी जो भी राजा महाराजा यहाँ पे जो भी शासन करते थे कि वो कम से कम अपने अपने कस्बों को, अपने अपने जिलों को, अपने अपने तहसीलों, अपने अपने वो छोड़ें, तो भोपाल जो रियासत थी उनको यहाँ के रियासतदारों ने छोड़ा नहीं था। तो उसके लिए यहाँ पे हमारे जो महान स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने इसके लिए लड़ाई लड़ी, और 1 जून 1949 को हमारा भोपाल आज़ाद हुआ था। 1 जून 1949 को, और हम जिस स्थान पर खड़े हैं, ये जो जुमेराती उप डाकघर है, यहाँ पर भोपाल का पहली बार तिरंगा फहराया गया। बिल्कुल, पहली बार भोपाल का तिरंगा इसी स्थान पर फहराया गया था, और 15 अगस्त को तो पूरा देश बनाता है, पर भोपाल 1 जून 1949 में जरूर यहाँ बनाता है। यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी होते हैं, पहले इससे पहले कई बार हमारे शिवराज सिंह चौहान जी तत्कालीन मुख्यमंत्री ने यहाँ पे झंडा वंदन किया है, और माननीय आलोक शर्मा जी अभी हम जो देख पा रहे हैं कि ये इस तरह के पोस्टर नज़र आ रहे हैं, कितने पुराने पोस्टर हैं और इनका उद्देश्य क्या रहा है? ये वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है जिन्होंने इस पूर्व भोपाल की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, और उन्होंने अपना बलिदान भी इस भोपाल के लिए दिया है। और इसमें हमारे पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी भी हैं, उद्धव दास मेहता जी भी हैं, और भी ऐसे हमारे अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिन्होंने इस बाबत भोपाल को आज़ादी दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी। और इस समय देखें कि जो डाकघर है यहाँ पर संचालित है, और ये वही जगह है जहाँ पर पहली बार आज़ादी के तराने गाए गए थे, यहाँ पर जब पहली बार तिरंगा फहरा था, और उसके बाद भोपाल भी आज़ाद हुआ और भोपाल में आज़ादी का जश्न मनना शुरू हुआ। चलिए एक तस्वीर आपको दिखाएंगे पूरे उप डाकघर की, और
जाहिर तौर पर है, डाकघर कह रहा है कि काफ़ी पुराना है। कितना क्या उससे पहले भी डाकघर यहाँ पर संचालित था जब भोपाल आज़ाद नहीं हुआ था? जी बिल्कुल, यहाँ पे डाकघर संचालित था और उस डाकघर को संचालित होते हुए बहुत साल हो गए। हमने तो बहुत मतलब जीपी हुआ करता था पहले, जहाँ पे मतलब प्रमुख डाकघर जिसे बोलते थे यही था पहले वहाँ पे, अब जो कि रॉयल मार्केट में शिफ्ट हो गया है, अब ये सिर्फ डाकघर रहा है। और कई बार इसको यहाँ के लोगों ने यहाँ पार्किंग बनाने का भी पहल करने की कोशिश करी, परंतु पूरा तक विभाग ने इसको सेफ करके रखा हुआ, क्योंकि पहली आज़ादी का जो झंडा बंधन हुआ था वो यहाँ पे हुआ था। तो भोपाल की आज़ादी का पहला झंडा बंधन हुआ था वो इसी उप डाकघर में हुआ था, और आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं अभी वर्तमान में जो नाम है जुमेराती उप डाकघर, हालांकि पहले ये मुख्य डाकघर हुआ करता था। ये थी भोपाल की आज़ादी की कहानी, भोपाल में कहाँ पहली बार झंडा बंधन हुआ था। अब हम उन लोगों से भी आपको रूबरू कराएंगे जिन्होंने भोपाल को आज़ादी दिलाने के लिए, उन परिवारों के से जिनके परिवार के सदस्यों ने गोली भी खाई, वो शहीद भी हुए, उन लोगों के बीच चलेंगे। उससे पहले इस जो उप डाकघर है इसके आसपास के जो लोग, देखें आप कि यहाँ पर बाज़ार है, दुकानें संचालित हैं, लोग कितने अवेयर हैं ख़ास तौर पर इस इलाके के, उनसे बातचीत कर लेते हैं और शुरुआत यहाँ से करते हैं। साहब क्या हाल है आपका? जी बढ़िया भाई साहब, आशीर्वाद। बढ़िया है जी। ये तो डाकघर की कहानी है आज़ादी से जुड़ी हुई? ये डाकघर की कहानी है, 160 साल पुराना डाकघर है ये जी। 160 साल पुराना डाकघर है, और बड़ा पहला झंडा बंधन जो हुआ था वो यहीं डाकघर में हुआ था जहाँ पर, और एक प्राचीन मंदिर है, प्राचीन मंदिर है पीछे, मढ़िया बहुत छोटी थी, अब ये बड़ा रूप हो गया थोड़ा मंदिर का, और प्राचीन मंदिर भी है, भोलेनाथ का पूरा शिव परिवार है इसके अंदर, और पोस्ट ऑफिस आज भी चालू है और पहले भी चालू था, लोगों की नज़रों में आज भी ये है कि पोस्ट ऑफिस बंद हो चुका है, लेकिन नहीं, पोस्ट ऑफिस चालू है। आपको जानकारी पहली बार कब लगी थी कि जो पहला झंडा यहाँ फहराया गया था? मैं यहाँ 2010 में हम आए थे, विश्व परिषद महानगर बजरंग दल से हूँ मैं, प्रखंड सहयोजक अच्छा, भोपाल। 2010 में तब आपको जानकारी? 2010 से मैंने जब से मंदिर संभाला था, जब से जानकारी हुई, लोगों से पता चला कि ये 160 साल पुराना पोस्ट ऑफिस है। 160 साल पुराना? हाँ, 140 साल तो जब ही हो गए थे जब मैं 2010 में आया था, तो अंदाज उसका पेपर में भी आया था, 120 साल तक तो देखा मैंने पेपर में, आया पुराना पेपर था बहुत। तो क्या होता है यहाँ पर 15 अगस्त के दिन, 26 जनवरी पर किस तरह का आयोजन होता है? के दिन यहाँ या 26 जनवरी हो तो झंडा बंधन होता है, पोस्ट ऑफिस वाले बाबूजी रहते हैं, बढ़िया झंडा बंधन होता है, मिठाई बांटते हैं, और नेता का यहाँ कोई काम नहीं, ना आता नेता, नेताजी का काम नहीं है? नहीं, नेताजी का काम जो है जब उनका कोई वो होगा कार्यक्रम। आप देखिए कि साहब आज़ादी के तराने यहाँ पर गाए जाते हैं, और जो बता रहे हैं कि 160 साल पुराना ये पोस्ट ऑफिस है, और आसपास के लोग इस उप डाकघर को लेकर, इस पोस्ट ऑफिस को लेकर अवेयर हैं, और हम आगे भी चलेंगे। और भोपाल को आज़ाद कराने के लिए उस समय जो आज़ादी के तराने गाया करते थे, जो क्रांतिकारी थे भोपाल को आज़ाद के लिए, उनमें एक थे राजमल पवैया जी, और उन्हीं के परिवार के समय जो लोग मौजूद हैं हम उनसे चर्चा करते हैं। साहब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था, लेकिन जब भोपाल की आज़ादी की बात आती है तो याद आता है 1 जून 1949। राजमल जी का क्या योगदान था उस समय? यार राजमल जी का बहुत ज़्यादा योगदान था, इनके साथ रामचरण राय थे, भाई रतन कुमार गुप्ता थे और बालकृष्ण गुप्ता थे, डॉक्टर शंकरलाल शर्मा भी उस समय थे, इनके हमारे यहाँ बैठे थे गद्दी पर आकर, तो इन्होंने बहुत कुछ किया। लोह बाजार के अंदर खादी ग्राम उद्योग था, खादी ग्राम जिसमें नाहर बदस घड़ी वाले हैं, उसके अंदर भोपाल नवाब के द्वारा रेड मारी गई थी, तो उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था, ये 10 बार जेल गए, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में इन्होंने बहुत अपना योगदान दिया है और बहुत कुछ किया है। हमेशा मिलिंदीकरण आंदोलन में इन्होंने साथ लिया है, इसमें माता ये क्या नाम है आपके रुक्मणी देवी अग्रवाल और क्या नाम था उनका मैडम का, रुक्मणी देवी अग्रवाल, रामचरण अग्रवाल और भाई उद्धव दास मेहता, इन लोगों के सबके साथ उन्होंने बहुत कुछ काम किया है। तो आप देख पा रहे हैं कि 10 बार जेल जाना पड़ा था और तब जाकर भोपाल को आज़ादी मिली। बिल्कुल मिली साहब उस समय आज़ादी, उसके बाद इनका और एक भोपाल के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा कि भोपाल में हिंदू उत्सव समिति चल रही है, वो हिंदू त्यौहार समिति के नाम से थी, सब में पहले उसी के अंदर इन्होंने समिति के अध्यक्ष बने थे, और उन्होंने ही उस संस्था का जो है स्थापना की थी। उस समय क्या हुआ, भोपाल में एक हवा फैला दी गई थी कि हिंदू मुस्लिम दंगा हो जाएगा,
तो ये नवाब साहब के पास गए, नवाब साहब से बोला, नवाब साहब ने खुद शिरकत की, भोपाल में ढिंडोरे पिटवाए गए कि नवाब साहब उसमें खुद शिरकत करेंगे। और दशहरा चल समारोह जो चला आ रहा है, और जो आज डॉक्टर महामहिम डॉक्टर संगदा शर्मा के घर से आज भी मेघनाथ का पुतला उठता है, वो इसी कारण उठता हुआ चला आ रहा है कि उस समय से ही ये पूरी व्यवस्था चली आ रही है और उसके समय इन लोगों के ही द्वारा ही सब कुछ व्यवस्था बनाई गई थी। तो हम ऐसे क्रांतिकारी परिवारों से मिल रहे हैं जिनके सदस्य उस समय भोपाल की आज़ादी उन्होंने लड़ी थी, और न सिर्फ आज़ादी के लिए उन्होंने संघर्ष किया बल्कि भोपाल की जो गंगा जमनी तहजीब है वो कैसे बरकरार रहे उसमें भी अपना योगदान दिया है। चलिए ऐसे ही और परिवारों से मुलाकात करते हैं। और अब हम पहुँचे हैं उद्धव दास मेहता जी के परिवार में, और पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है, उनके बेटे हैं और उनके पोते यहाँ पर हैं। और ओम मेहता जी ने अपने पिताजी को बड़े करीब से देखा है कैसे उन्होंने भोपाल की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। तो ओम जी, उद्धव जी की बात करें, भोपाल के आज़ादी की बात करें, कैसा दौर था वो, कितने दिन में आज़ादी मिली? देखिए, काफ़ी लंबा संघर्ष हुआ इसके लिए, और शुरू में तो सब लोग मिल के इस आंदोलन को खड़ा कर रहे थे नवाब के खिलाफ। ये कोई एकदम से नहीं हुआ था 48-49 में, लंबी पृष्ठभूमि है, क्योंकि हिंदू समाज के साथ और बहुमत में होने के बाद भी रियासत में हिंदुओं की उपेक्षा थी। ना हम शिखरदार मंदिर बना सकते थे, ना हम गोकुशी रोक सकते थे। ये जो हिंदू मान बिंदु है, हिंदुओं को जो मान बिंदु है, तो कैसे ये जो भोपाल जी नहीं करने का प्रयत्न था, वो संघर्ष यहाँ से होता है शुरू, और उसकी परिणति जब विलीनीकरण में हुई तब भी विलीनीकरण के आंदोलन में एक भी हिंदू के अलावा और कोई दूसरी कौम का आदमी शामिल नहीं हुआ। आप रिकॉर्ड देख ले, इतनी गिरफ्तारियाँ हुई सब हिंदुओं की। और जब 1 जून 1949 को भोपाल आज़ाद हो गया, कैसी तस्वीर थी उस दिन जब भोपाल में भी भारत का तिरंगा फहराया गया? बढ़िया था, उस सब का माहौल था, लोग निरंकुश शासन से मुक्त हुए थे तो खुशी थी एक, और नवाब तो भोपाल को पाकिस्तान में मिल जाना चाहता था। आपने आपने वो दिन देखा है जिस दिन पहली बार भोपाल में तिरंगा फहराया गया? हाँ, देखा था, हमने सुभाष चौक में झंडा फहराया था। तो उद्धव दास जी का चेहरा कैसा था उस दिन? सवाल ही नहीं है, जब सिद्धि हो जाती है, साधना की उनकी इतनी लंबी उसकी सिद्धि हुई थी तो प्रसन्नता होना स्वाभाविक था, उनके जीवन का एक लक्ष्य पूरा हुआ। जीवन का लक्ष्य पूरा हुआ था, आप देखें कि भोपाल की आज़ादी के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। और डॉक्टर दीपक मेहता जी हैं जो कि उद्धव दास जी के पोते हैं, अब अभी भी कहानियां चली रही हैं, कई लोग नहीं जानते कि भोपाल को आज़ादी कब मिली थी। अभी हम देखें तो एक मुहिम तो चल रही है जागरूक करने के लिए। देखिए, वैसे तो भोपाल को आज़ाद होना था 1947 में, लेकिन भोपाल के नवाब के कारण ये 2 साल लेट हुआ। भोपाल 1 जून 1949 को आज़ाद हुआ, और भोपाल के नवाब चाहते थे कि भोपाल का विलय पाकिस्तान में हो, लेकिन मेरे दादाजी और उनके सब साथियों ने मिलके उनका पुरजोर विरोध करा, और भोपाल को भारत में विलय करने के लिए जो आंदोलन करा उसके लिए मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं आज उनका पोता हूँ। डॉक्टर साहब, अभी भोपाल के लोगों को भी पूरी तरह से जानकारी नहीं है कि भोपाल का आज़ाद हुआ था, हम युवाओं के बीच पहुंचे थे, उन्हें नहीं जानकारी, तो इसे लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए कोई मुहिम चल रही है कोई? हम लोग हर साल कोशिश करते हैं कि 1 जून को भोपाल का आज़ादी का महोत्सव मनाएं। भोपाल गेट जो कैम्ब्रिज स्कूल के पास है वहाँ पर हर साल ये कोशिश करके तिरंगा की लहराएँ और भोपाल के सभी लोगों को ये अवगत कराएँ कि आज भोपाल हमारा आज़ाद हुआ है, 1947 में आज़ाद नहीं हुआ था, और इसमें कितना लंबा संघर्ष हुआ है, यहाँ के नवाब से कितना झगड़ा करा भोपाल के हिंदुओं ने, 1 महीने भोपाल बंद रखा उस समय, और भोपाल का इतिहास रहा है कि सब लोगों ने मिलके नवाब का विरोध करा और आज हम भोपाल को आज़ाद करके बैठे। तो हमने जानी भोपाल की आज़ादी की कथा,
लेकिन इस कथा को लेकर भोपाल के लोग कितने जागरूक हैं, और हमारा इस कथा के जरिए यही प्रयास था कि भोपाल के लोग समझें, भोपाल के बाशिंदे समझें, भोपाल के युवा समझें कि आखिरकार भारत की आज़ादी के साथ भोपाल ने कैसे कदम ताल किया था और भोपाल की आज़ादी के लिए किस किस ने अपनी कुर्बानी दी। कैमरामैन लवनी सैनी के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।